आज हम बनाएंगे फटाफट से वेज फ्राइड राइस, जो काफी स्वादिष्ट होने वाला है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप लंच बॉक्स में भी इसे बना सकते हैं। आपके बच्चों को ये जरूर पसंद आएगी। इसके साथ आपको पनीर चिली मंचूरियन की कोई भी जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ही लाजवाब है। आप इसे जरूर ट्राई करें। फुल रेसिपी देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। चलते चलते ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, फ्राइड राइस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्राइड राइस बनाने के लिए ये मैंने लिया है बासमती चावल। इसे हम बढ़िया से 2-3 पानी धुल के वॉश कर लेंगे। अब हम गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाही, पतीला, बगूना, आप कुछ भी बड़ा सा बर्तन चढ़ा सकते हो। इसमें हम डालेंगे ढेर सारा पानी, क्योंकि हमें इसमें चावल को उबालना है। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच ऑयल। जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसमें हम धुले हुए चावल भी डाल देंगे और इसे बढ़िया सा उबलने देंगे और बीच बीच में पलटे से चलाते रहेंगे, नहीं तो हो सकता है कि चावल पेंदी में चिपक जाए। थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि चावल में उबाल आने लगेगा। ये बहुत ही जल्दी बॉयल हो जाते हैं। ये देखिए, लग रहा है कि चावल पक चुका है। हम इसे हाथों से चेक करते हैं, ये लगभग 90% कुक हो चुका है। अब हम तुरंत ही इसे फटाफट से किसी जालीदार बर्तन में चावल को निकाल देंगे, ताकि इसमें का सारा पानी निकल जाए। आप चाहें तो पानी निकलने के बाद इसे प्लेट में फैला दें, या फिर इसी में इस तरीके से फैला दें पलटे से। अब हम गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई और उसमें आप जिस भी तेल में सब्जी बनाते हो वो तेल डाल दें, 2 बड़ा चम्मच। और ये मैंने लिया है पनीर, जिसे मैंने बहुत ही छोटे छोटे पीस में कट किया हुआ है। इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, पनीर फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। कढ़ाई में का सारा तेल निकाल लेंगे, बस इसमें थोड़ा सा तेल छोड़ेंगे और उसी बचे हुए तेल में हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1 कटोरी बारीक कटे हुए गाजर, 1 कटोरी बारीक कटे हुए बीन्स। इन्हें थोड़ा सा चला लेना है। फिर हम ऐड करेंगे 1 कटोरी छिला हुआ मटर, 1 कटोरी बारीक कटा शिमला मिर्च, इन्हें भी थोड़ा सा चला लेते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में ज़्यादा कुछ नहीं, बस स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर, 1/2 कटोरी टोमेटो सॉस, 1/2 कटोरी सोया सॉस, 1/2 कटोरी ग्रीन चिली सॉस और 1/2 कटोरी सेजवान सॉस। ये सॉस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस रेसिपी में। अब हम फ्राई पनीर भी इसमें ऐड कर देंगे। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें लाल मिर्च पाउडर थोड़ा कम ऐड करें। सभी को मिलाने के बाद हम इसमें उबले हुए चावल भी डाल के बढ़िया सा मिला देंगे। बहुत ही आराम से मिलाएं, ज़्यादा तेज से ना मिलाएं, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। ये लीजिए, बहुत ही चटपटा स्वादिष्ट फ्राइड राइस बन के तैयार हो गया। आप इसे सर्व करें फ्रेश कटा हरा धनिया या फिर कटे हुए स्प्रिंग अनियन के साथ और इंजॉय करें। और मुझे कमेंट बताएं कि आपको मेरी ये मज़ेदार रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स।